का प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर आपकी क्या। मेरा नाम डॉक्टर नरेश अरोरा है, मैं एक एरोमाथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ हूँ और मैं भी बहुत ही इसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि 22 तारीख को जो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हम सबकी आस्था का प्रतीक है और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि ये एक धर्म के नाम से करना है। हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हमारा जन्म हुआ या मृत्यु तक जो भी कुछ करेंगे वो श्री राम के नाम से, सिया राम के नाम से करते हैं और वो हमारे अब एक 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 बॉडी के पार्ट में है, इसलिए वो आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसको सेलिब्रेट करना ही चाहिए और इसकी खुशी लगभग सबको ही हो। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, धर्म और राष्ट्रवाद की बात हो रही है या राम राज्य की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, जो यूपी में भी और पूरे देश के अंदर बना हुआ है, कर रहे आप डेली देख रहे हैं, तो उस अवधारणा के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना वो आप। पहले अगर आप धर्म की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला कि श्री राम एक आस्था का प्रतीक है और ये हम लोग जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, इन सबके कण कण में है और इसका लेना देना धर्म से कहाँ तक है मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री हैं और सेक्युलर कंट्री के अंदर सब धर्मों का सम्मान भी किया जाता है और हम लोग देखते भी आए हैं, हमारे को बचपन से सिखाया भी गया है। लेकिन जब मेरे अपने धर्म की या मेरे अपने श्री राम की आस्था का सवाल आता है तो डेफिनेटली है एक खुशी अलग से ही मिलती है जो कि अभी भी मिल रही है। और जहाँ तक सवाल है कि इसको किस तरह से हम लोग आपकी इकोनॉमी से या व्यापार से जोड़ें तो मुझे ये तो मालूम है कि जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम ये मानते हैं कि मंदिर तो हर जगह पर हैं लेकिन एक श्रद्धा सुमन वहाँ पर के लिए जरूर होते हैं जहाँ पर हम लोग मानते रहे हैं कि अयोध्या एक धर्म नगरी बन गई है क्योंकि वहाँ पर श्री राम का अवतरण हुआ। लेकिन इसके अलावा उससे कितना फर्क पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस समय देखें एक हफ्ते से कि अगर खाली दिए भी जलाए जा रहे होंगे तो किसने बनाए होंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसने बनाए होंगे, उसने एक अपना व्यापार का एक साधन किया वहाँ पर, जो हवन सामग्री से लेकर जो बाकी पूजा की सामग्री तक बेच रहे हैं उन सब के लिए ये है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, होटल इंडस्ट्री हो या आपकी खान पान के साधन हो सब के लिए। मेरे को लगता है कि विकास होता है तो पूरे शहर का ही नहीं है, और शहर का मतलब होता है प्रदेश और प्रदेश का मतलब होता है देश, तो इकोनॉमी के ऊपर तो फर्क लाजमी पड़ता ही पड़ता है। और कम से कम भी जैसे कि यूपी के अंदर माना गया कि इससे कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए का वो सालाना बिजनेस करना चाहते हैं और होगा भी क्योंकि जो एक सैलाब की तरह उमड़ के जाएंगे लोग वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे इकोनॉमी के अंदर और वो हर चीज़ के ऊपर असर डालेगा।